कैसा जा रहा है आपका लॉग? बहुत ही मुझे इतना काम करना पड़ रहा है कि जितना काम तो मैं जिंदगी में एक्टिंग करते हुए भी नहीं करती, लेकिन घर आके मुझे लग रहा है जो कि घरेलू काम तो ज्यादा मुश्किल है। वाकई? झाड़ू पोछे कपड़े, अच्छा, हाँ, व्हाट्स कीपिंग यू बिजी? घर की सफाइयाँ। फिलहाल कोई है ही नहीं काम करने वाला। मैं खाना बनाना शुरू हो गई हूँ, मैं सफाइयाँ करनी शुरू हो गई हूँ, मैं कपड़े धोना शुरू हो गई हूँ, तो इस वजह से कुछ यू नो करने का टाइम बना रहा है। ये जो आप बात कह रही हैं, ये इतनी कोई इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज आजकल हम आपको देख रहे हैं एज मिराल इन सबात ऑन आर टीवी स्क्रीन, एंड मिराल तो है वो, तो बिल्कुल जो आप बातें कर रही, उसकी 180 डिग्रीज है, इतनी वो स्पॉइल्ड ब्रैट है, इतनी वो एरोगेंट है कि मुझे तो लगता नहीं कि उसने जिंदगी में कभी पानी का ग्लास भी खुद लिफ्ट किया हो। मुराल ने कभी नहीं उठाया पानी का ग्लास, लेकिन सारा ने बट किया टॉकिंग अबाउट सबात एंड योर कैरेक्टर मिराल, कुछ बताएंगी कि जब आपको ऑफर हुआ प्रोजेक्ट, क्या थॉट प्रोसेस था, व्हाट मेड यू ऑप्ट फॉर इट? मैं आपका करियर ग्राफ देख रहा था, आपने काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, और इट्स नॉट लाइक कि आपने पहली बार कोई ऐसा रोल ऑप्ट किया है कि जो डिफरेंट हो इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो हैज नेगेटिव शेड्स। आपने नेगेटिव कैरेक्टर जी। पहले भी प्ले किया हुआ है, यू नो यू प्लेड अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स, आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि आदत है कुछ इस तरह की चीज उठाने की, कुछ ऐसा कैरेक्टर उठाने की जो थोड़ा सा हटके हो। मैं कोशिश तो ये करती हूँ कि मैं हमेशा कुछ ऐसा करूँ जो पिछले वाले प्रोजेक्ट से कुछ डिफरेंट हो, लेकिन होता यह है कि मेरी शक्ल देख के लोग मुझे ज्यादातर मासूम रोती हुई बीवी में कास्ट करते हैं, मुझे पसंद नहीं है। तो इस साल मैंने बहुत मुख्तलिफ काम किया। और बात अगर आप करें सबात की, तो सबात जब मैंने पढ़ा था तो मैंने शहजाद भाई जो मैं डायरेक्टर है सबात के, उनसे कहा था कि सबात में मिराल मैंने करना है, और मिराल के लिए मैंने काफी अरसा इंतजार भी किया, बिकॉज वो बनने में डिले वगैरह हो रहा था, तो स्क्रिप्ट उसका 4 दफा चेंज हुआ है। और मिराल पिछले साल मैंने पढ़ा था एक कैरेक्टर, और अब जाके फाइनली वो मैंने किया। और मैं वो इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वो बहुत मुख्तलिफ कैरेक्टर है, इस तरह के ड्रामे हमारे यहाँ बहुत कम बनते हैं, तो मेरे लिए बड़ा अच्छी बात है कि मैं मिराल जैसे कोई किरदार प्ले करूँ जो इतना बदतमीज है, इतना अलग है मुझसे, इतना वो है जो मैंने कभी प्ले नहीं किया। और मैंने नेगेटिव सिर्फ एक ही प्ले किया था जिंदगी में, वो था अलविदा, हम टीवी जी के लिए था, तो ये मेरा जिंदगी का दूसरा। लेकिन वो दोनों आपस में बहुत मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं, अलविदा वाली लड़की अलग थी परीसा, और ये बिल्कुल अलग है मिराज। तो मैं जैसे अभी आपको कह रहा था इंटरव्यू शुरू करने से पहले ऑफ कैमरा जब हम बात कर रहे थे कि नाउ दैट दिस इज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद यू, एंड व्हेन आई एम सीइंग यू नाउ लाइव एंड व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, यू लुक एंड साउंड नथिंग लाइक मिराल। सो इट्स इवन मोर शॉकिंग फॉर मी नाउ व्हेन आई एम एक्चुअली टॉकिंग टू यू कि यार कि ये आपने कैसे एग्जीक्यूट कर दिया ये कैरेक्टर, जो कि आपसे आपकी मैनरिज्म से भी बिल्कुल डिफरेंट है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कम्प्लीटली डिफरेंट है, आपका अपेयरेंस भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। लाइक यू नो नाउ व्हेन आई लुक एट यू, यू सीम वेरी इनोसेंट एंड शाय एंड यू नो मासूम, बट ऑन स्क्रीन व्हेन यू आर माय गॉड यस्टरडे व्हेन यू वॉक्ड इनटू द कॉलेज, वो आई जिस स्वैग के साथ और जिस यू नो भरम के साथ जैसे हम कहते हैं वो आई है, और फिर जैसे वो गई है वापस, दैट वाज समथिंग एल्स। हाउ डिड यू मैनेज टू अचीव दैट? मेरे लिए मिराल इतना चैलेंजिंग था क्योंकि सबसे पहली बात ये कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। मैं बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़ रही थी कि आप तो नेगेटिव हैं, आपकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है। तो मेरे लिए चीखना जो है ना, वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैंने इस मिराल को जान कर हल्का से रखा, बिकॉज जरूरी नहीं, हमारे यहाँ क्या होता है नेगेटिव है तो उसका मतलब ये कि वो गालियाँ भी देगी और वो चीखेगी भी, और यू नो जो जिस तरह का नेगेटिव हम दिमाग में रखते हैं कि उसके बाल भी कर लिए होंगे और लाल कलर की लिपस्टिक भी लगाती होगी। तो मिराल को मैं चाहती थी और शहजाद भाई चाहते थे कि जो मेरी पर्सनालिटी है उसके अंदर रह के उसको विलन बना दे। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे मिराल प्ले करने में जितना मजा आया आज तक मुझे किसी कैरेक्टर में मजा नहीं आया इतना। हाँ, एक में आया था बेलापुर की डायन में, जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया था वो वो भी भी बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग ड्रामा था आपका, और बड़ा हाईली है ना? रिकॉग्नाइज्ड एंड हाईली रेटेड ड्रामा एज वेल। यू गॉट नॉमिनेटेड फॉर दैट वन एज वेल, राइट, फॉर योर परफॉर्मेंस। तो जी ये तो गोइंग बैक कमिंग बैक टू मिराल, जब आपने फाइनलाइज हो गई होंगी चीजें, जब आप डायरेक्टर के साथ बैठी होंगी, तो जब आप लोगों ने डिसाइड किया कि ओके
दिस इज हु मिराल इज गोइंग टू बी, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? मतलब सबसे पहले आपने ये डिसाइड किया कि ओके इसकी कैरेक्टर की लुक और अपेयरेंस पे काम करते हैं वो ऐसा होगा, या आपने डिसाइड किया कि बॉडी लैंग्वेज इसकी ये होगी, या इसका जो रिलेशनशिप है विद हर नानी, विद हर पेरेंट्स, विद हर ब्रदर, या बाकी सब लोगों के साथ वो इस तरह का होगा, क्या वो क्या प्रोसेस था कैरेक्टर क्रिएट करने का? सबसे पहले जब मैंने मिराल को सोचा ना, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि वो दिखनी कैसी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसे कोई बहुत कूल सा कुर्ता पहना दो, उस तरीके का जो आजकल हम अगर कोई नेगेटिव या मॉडर्न घराने का लड़की दिखाते हैं तो उस तरह की होती है कि वो अच्छा सा कुर्ता पहने हुए थे, क्लासी सा। तो मैं चाहती थी कि मैं उसे शलवार कुर्ते से निकाल दूँ ताकि अनाया और मिराल में ऐसा फर्क नजर आए कि लोगों को सामने से नजर आए कि ये मिराल है, ये अनाया है। ना कपड़े एक जैसे है, ना शक्लें एक जैसी है, ना बातें एक जैसी है, ना हरकत एक जैसी है। तो सबसे पहले मैंने लुक पे काम किया था, और लुक पे हमने बहुत काम किया है। मिराल के कपड़े लाना, वेस्टर्न कपड़े यहाँ से मिलना सबसे मुश्किल काम है। तो मिराल के कपड़े जमा करना, मिराल के जूते जमा करना, मिराल के कैरेक्टर पे इतनी डिटेलिंग है कि उसके उसके इयररिंग्स कौन से होंगे, उसका नेकलेस कौन सा होगा। अभी तो लुक्स आएंगे, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ है। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि उसका टोन मुझे कैसा रखना है। पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ आवाज़ अलग करके थोड़ा हार्श उसमें लेकर आऊँ, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि नेगेटिविटी मैं वहां दिखाऊंगी कि उसकी आवाज वही है, शक्ल से मासूम है लेकिन हरकतें उसकी खतरनाक है, ताकि वो लोगों को गुस्सा भी आए उसको देखे कि किस किस्म की औरत है ये। तो उस पर क्या बाकी जो भी हुआ वो सेट पे जाके हुआ। इतनी मैंने उसकी कुछ नहीं सोचा था कि मैंने मिराल को ये करना है। तो जो भी हुआ वो वहां जाके डिसाइड हुआ कि इस सीन में ये होना है। अक्सर सीन ऐसे कि शहजाद भाई और मैं करके मैं हंस रही होती थी, मिराल ने कैसी बात की है। फिर हम दोबारा देख करते थे कि कितनी बदतमीज औरत है। अच्छा, एक चीज जो मेरे लिए बड़ी स्ट्राइकिंग है, स्पेशली जो अभी प्रीवियस एपिसोड हमने देखा उसमें हमें वो पर्सनालिटी नजर आई मिराल के, या पर्सनालिटी का एक एस्पेक्ट नजर आया कि आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है मिराल। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एज वी से विलन है। जब नानी को हार्ट अटैक होता है तो शी इज जेन्युइनली कंसर्न्ड, उसको जेन्युइनली परेशानी हो रही होती है। वो उनके कमरे में जाती है, उनके सूटकेस में से जब सारी चीजें निकालती है, तस्वीरें देखती है तो रुक जाती है, उसको वो हिट चीज हिट करती है जो उसकी नानी ने उसको बोली होती है। देन व्हेन शी गोज टू द हॉस्पिटल एंड व्हेन द डॉक्टर फाइनली सेज के यार आप लोग मिल सकते हैं, शी इज एक्चुअली द फर्स्ट वन हु सेज के यार मुझे मैं जाके जाती हूँ। आई थिंक दैट वॉज ऑल्सो अ कॉन्शियस डिसीजन दैट शी मेड, यार आप लोग सारे रुक जाओ मैं पहले जाऊंगी। एंड देन उस वक्त बड़ा एक क्यूट मोमेंट है मिराल और नानी के बीच में, फिर शी एक्चुअली सेज के हाँ आप सही कहती थी, बिल्कुल आप मेरे जैसी लगती थी। सो जो मिराल की अब कैरेक्टर एवोल्यूशन हम आगे देखेंगे उसमें ये चीज एड्रेस होगी, इस पर हमें क्लैरिटी मिलेगी कि यार के आउट एंड आउट नेगेटिव है, होगी नहीं होगी, इसी तरह की बीच में उसमें काइंडनेस की चीजें भी हम देखते रहेंगे, कैसे उसको आप डिफाइन करेंगे कैरेक्टर? देखिए अभी तक ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि मिराल ऐसी है क्यों। बहुत लोग हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि मिराल अभी की बदतमीज है, नेगेटिव है, वो क्यों है। तो हर किसी इंसान का किसी किस्म का होने की एक वजह होती है। तो मिराल की जो वजह है वो अभी तक नहीं दिखाई है, अभी तक सिर्फ मिराल की हरकतें दिखा रहे हैं कि मिराल ऐसी है, ऐसी ऐसी है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि वैसी क्यों है। तो अभी नानी की डेथ हुई है, अब कुछ अर्सा गुजरेगा उसे नानी की बातें याद आएंगी, जो भी हो गए होगा उसके बाद पता चलेगा आप लोगों को मिराल फाइनली ये पता चलेगा कि मिराल ऐसी क्यों है, ऐसा क्या हुआ उसके साथ, या ऐसी क्या हो जाएगी जो वो इतनी बदतमीज है और बर्दाश्त नहीं।